वेलकम स्टूडेंट्स, अध्याय 11 ज्यामिति आकृतियों में समरूपता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको कराया हूँ, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रश्न क्रमांक 2 और 7 जो मैं आपको कराया हूँ, ठीक है। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 8 जो कि क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर भुजाओं का अनुपात का जो वर्ग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर प्रश्न क्रमांक 9 पाइथागोरस प्रमेय आने का 90% चांस है, ठीक है। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं आएगा तो थेल्स प्रमेय आएगा, तो ये दोनों अल्टरनेट में पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 10 जो मैं कराया हूँ थेल्स प्रमेय, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बोर्ड एग्जाम में या तो प्रश्न क्रमांक 3 पाइथागोरस थ्योरम या थेल्स प्रमेय पूछेगा, दोनों में से 100% कोई एक आएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर अगर कम नंबर का पूछना होगा तो प्रश्न क्रमांक 2 और 7 जो मैं अभी वीडियो लेक्चर में कराया हूं वो पूछा जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 8 क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है उसके भुजाओं के अनुपात के वर्ग का, ये जो हम प्रश्न क्रमांक 8 पढ़े थे वीडियो लेक्चर में, ये सभी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो अध्याय 11 कंप्लीट, थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया, वहां क्लिक करिए। और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।